तुला राशि, तुला राशि के लिए गुरु से उनको मुक्ति मिलेगी, मैं ऐसा कह सकती हूँ। बिकॉज तुला राशि शुक्र की राशि है और गुरु वो दैत्याचार्य और गुरु देवाचार्य, तो आपस में पटती नहीं। तो हालांकि गुरु जो आए थे उनकी मैरिज करवाने के लिए आए थे, उनकी और कई सारे काम उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड करवाने आए थे, फिर भी उनको सुहा नहीं रहे थे। और अब जो गुरु निकल कर द्वितीय भाव में गए तो उनको एक ठंडी वाली सांस आएगी। उनका जो पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट होगा। उनको कुछ अपनी उन्नति के लिए अपने स्व से रिलेटेड कोई मीडिया से रिलेटेड काम करने हैं तो अब बनने शुरू हो जाएंगे। आपके द्वितीय भाव में गुरु के प्रवेश करने के कारण आपकी वाणी में हो जाएगा, आपके परिवार में वृद्धि होगी, आपके परिवार वाले आपकी बात मानेंगे और साथ ही साथ आपके जो कहते हैं आपका धन जो है वो आपको थोड़ा सा संभाल के रखना है। काम तो मिलेगा खूब, लेकिन ये काम जो मिलेगा उससे जो धन आएगा उस धन को आपको संभाल के रखना है। इस बार जो गुरु की पंचम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पे पड़ती है, जिसकी वजह से आपके जो विरोधी हैं वो भी आपके मित्र सा व्यवहार करेंगे, आपके विरोधी भी शांत हो जाएंगे, आपको ननिहाल पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, आपके कोई लोन्स वगैरह कर्जे वगैरह आपने अप्लाई किए होंगे तो आपको मिल जाएंगे बैंकों वगैरह से। फिलहाल खाली तबीयत संभालनी है तुला राशि वालों को, क्योंकि जो सप्तम दृष्टि पड़ती है गुरु की वो आपके हेल्थ के स्थान पे पड़ती है और वो आपको सचेत करती है कि आपको शुगर वगैरह का इंटेक कम करना है, आपको मोटा नहीं होना है। मोटेपन से जो नुकसान होते हैं पेट बढ़ जाने से, खासकर जो बैक में प्रॉब्लम आती है वो ना आए, आपके गर्दन गुदा या आपके तलुए पैरों के नीचे या आपके पेट की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूरी चेकअप्स वगैरह करवाते रहिए। बट अभी फिलहाल आप एंजॉय कीजिए स्थिति को कि आपका काम बढ़ने वाला है, आपके काम बढ़ जाने से आपको खुशी मिलेगी और तबीयत को संभालते हुए आपको अपना काम करना है, ना हो तो अपने पिता से सपोर्ट लेना है और ये काम को आगे बढ़ाना है और काम के स्थान पे मित्रता भी बढ़ानी है ताकि आगे चल के वो काम बढ़ता रहे। हालांकि राहु बैठे हुए हैं वहां तो आप पिछले कई दिनों से अपने काम में बेचैनी महसूस कर रहे थे, अब जाके थोड़ी सी राहत आपको महसूस होगी।